कैसे हैं आप? अपन ने लास्ट वीडियो में हेलोजन कंपाउंड स्टार्ट किया था। हेलोजन कंपाउंड्स में अपन ने क्या क्या रीड किया था, उसमें एक इंट्रोडक्शन कर लिया था अपन ने, और क्लासिफिकेशन अपन हेलोजन कंपाउंड का कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन अपन ने किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड एंड ट्राईहैलाइड। सेकेंड अपन जो कर रहे थे उसमें अपन ने पढ़ा था कि हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड टू हेलोजन एटम, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी हाइब्रिड स्टेट क्या है, उस बेसिस पे अपन क्लासिफिकेशन कर रहे थे। उसमें फर्स्ट अपन ने लिया था हेलोजन एटम अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिड स्टेट कार्बन एटम। sp3 हाइब्रिड स्टेट कार्बन एटम में फर्स्ट पार्ट अपन ने किया था एल्काइल हैलाइड। अब यहां से अपन आगे करते हैं कि sp3 में और सेकेंड पार्ट कौन सा होता है। एल्काइल हैलाइड के बाद में सेकंड है एलाइलिक हैलाइड। इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैलोजन एटम अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिड स्टेट कार्बन एटम नेक्स्ट टू sp2। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो आगे sp2 हाइब्रिड स्टेट कार्बन से जुड़ा होता है। हेलोजन पहले जुड़ा होता है sp3 वाले से और वो आगे जुड़ा हुआ होता है sp2 हाइब्रिड स्टेट कार्बन एटम से। इट मीन्स हेलोजन एटम अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिड स्टेट कार्बन एटम नेक्स्ट टू sp2 हाइब्रिड स्टेट कार्बन एटम। दिस टाइप ऑफ एग्जांपल इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 है और वो आगे sp2 है। और एग्जांपल अपन देखते हैं इसका, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 है जस्ट नेक्स्ट टू sp2। दिस टाइप ऑफ एग्जांपल इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड। ये भी एलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल है। इसमें हेलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा है और वो आगे sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। sp2 क्यों बोल रहे हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन पाई बॉन्ड दिस कार्बन इज नोन एज sp2 हाइब्रिड स्टेट कार्बन एटम। इट मींस एलाइलिक हैलाइड की कंडीशन क्या है? हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिड स्टेट कार्बन से जुड़ा होता है और वो आगे जुड़ा होता है sp2 हाइब्रिड स्टेट कार्बन एटम से। क्लियर? ये हो गया अपना सेकेंड पार्ट एलाइलिक हैलाइड। अब इसमें sp3 वाले एग्जांपल जिसमें हेलोजन sp3 से जुड़ा हुआ होता है उसमें फर्स्ट हो गया एल्काइल हैलाइड, सेकंड हो गया अलाइल हैलाइड और थर्ड अपने पास में आ गया बेंजाइलिक हैलाइड। इसमें हेलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा होता है और ये sp3 कार्बन एटम अटैच्ड टू नेक्स्ट टू बेंजीन, ये बेंजीन से आगे जुड़ा हुआ होता है। ये अटैचमेंट आगे किससे लेता है? बेंजीन से। तो यहाँ पर हेलोजन एटम sp3 कार्बन से अटैच्ड है विच इज जस्ट नेक्स्ट टू बेंजीन, बेंजीन से आगे जुड़ा होता है, ये कंडीशन कहलाती है बेंजाइलिक हैलाइड। इसका मतलब अपन ने क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा कि हेलोजन एटम sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है sp3 और ये कंडीशन पढ़ी जिसके थ्री पार्ट्स अपन ने डिस्कस किए। फर्स्ट है एल्काइल हैलाइड जिसमें हेलोजन डायरेक्टली sp3 कार्बन से जुड़ा होता है, सेकंड है एलाइलिक हैलाइड इन दिस हेलोजन एटम अटैच टू sp3 हाइब्रिड स्टेट कार्बन एटम नेक्स्ट टू sp2। थर्ड अपन ने पढ़ा बेंजाइलिक हैलाइड जिसमें हेलोजन sp3 एटम कार्बन से अटैच होता है और वो नेक्स्ट आगे बेंजीन से अटैच होता है। ये फर्स्ट हो गया क्लासिफिकेशन। अब इसमें जो सेकंड है उसे अपन कहते हैं हेलोजन एटम अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिड स्टेट कार्बन एटम। अब अपन पढ़ते हैं जिसमें हेलोजन एटम sp2 का हाइब्रिड स्टेट कार्बन एटम से अटैच है। इसमें फर्स्ट पढ़ते हैं
विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड में हेलोजन एटम डायरेक्टली sp2 हाइब्रिड स्टेट कार्बन से जुड़ा होता है। हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिड स्टेट कार्बन, सो दिस इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड। इसे विनाइलिक को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिड स्टेट कार्बन एटम, ये हो गया विनाइलिक हैलाइड। इसी sp2 में अपन सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, एराइल हैलाइड। इसमें हेलोजन डायरेक्टली एक बेंजीन रिंग से अटैचमेंट लेता है, डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। यहाँ पर भी अटैच्ड तो sp2 हाइब्रिड स्टेट कार्बन से ही है, बट वो पूरी रिंग बेंजीन रिंग प्रेजेंट होने के कारण ये कहलाता है एराइल हैलाइड। इसका मतलब अपन ने जो हेलोजन का क्लासिफिकेशन पढ़ा, फर्स्ट टाइप अपन ने क्या पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, जिसमें मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड और ट्राई हैलाइड होता है। सेकंड क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा कि हेलोजन एटम कौन से हाइब्रिड स्टेट कार्बन से जुड़ा हुआ है। उसमें फर्स्ट अपन ने पढ़ा हेलोजन एटम अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिड स्टेट कार्बन एटम, जिसमें थ्री पार्ट्स अपन ने पढ़ लिए, एल्काइल हैलाइड, हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिड स्टेट कार्बन एटम, सेकंड एलाइलिक हैलाइड, हेलोजन एटम अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिड स्टेट कार्बन एटम नेक्स्ट टू sp2 हाइब्रिड स्टेट कार्बन एटम, और बेंजाइलिक हैलाइड, हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिड स्टेट कार्बन एटम नेक्स्ट टू बेंजीन। इसमें सेकंड अपन ने पढ़ा हेलोजन एटम अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिड स्टेट कार्बन एटम, sp2 का मतलब प्रेजेंस ऑफ वन पाई बॉन्ड। इसका फर्स्ट पार्ट अपन ने पढ़ लिया विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड का मतलब हेलोजन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिड स्टेट कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। और इसका सेकंड अपन ने पढ़ा एराइल हैलाइड, जिसमें हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। यहां पर अपना क्लासिफिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है।